सभी खाम पंचायत बड़े बुजुर्ग मेरे चाचा ताऊ सारी सरदारी सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आपने जो हमें इतना सहयोग दिया, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें आज 29 दिन हो गए वहाँ सड़क पे बैठे हुए और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी सिर्फ दो मांगे थी कि जो उसने गलत किया है लड़कियों के साथ उसकी उसको सजा मिले, और दूसरा जो हमारी फेडरेशन है उसमें उसने अपने सारे जगह अपने आदमी फैला रखे हैं और वो हमारी फेडरेशन को छोड़ दे और कोई अच्छे आदमी वहाँ बैठे कि हमारी कुश्ती का विकास हो। आप जानते हो कि कुश्ती ऐसा खेल है जो इतने सालों से लगातार ओलंपिक में पदक जीत लिया लेकिन फिर भी कुश्ती को इतनी पहचान नहीं मिली। तो जब मेरा मेडल आया था तो आप सब लोगों ने जब भी इतना सहयोग दिया था, मुझे इतना मान सम्मान दिया था, आज भी मैं हाथ जोड़ के आपसे यही विनती करती हूँ कि हमारा साथ बनाए रहो। हम एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम में गलती निकलती है ना, मैं तो आपकी बेटी हूँ, चाहे कोई भी सजा दे देना, हम बिल्कुल सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपका बहुत ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है। और वो आदमी हमारे मेडल को 15-15 रुपये में बता रहा है कि 15 रुपये में मिल जाएंगे मेडल, तो देख लो उसकी कैसी मानसिकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि और एक 23 तारीख को भी हम एक कैंडल मार्च कर रहे हैं या गेट पे शाम को 5 बजे, आप सब लोग वहाँ आओ, हमारा सहयोग दो। और एक और अपील है कि इस आंदोलन को हमें ना शांतिपूर्वक बड़ा करना है, कोई भी हिंसा ना हो। जैसा कि पहले भी किसान आंदोलन हुआ कितने अच्छे से जीत हासिल हुई, ऐसे ही हम चाहते हैं आप इस आंदोलन को अच्छे से शांतिपूर्वक हमारा सपोर्ट करें। और जो भी आप लोग बोलोगे, जो आप फैसला लोगे, हम मानेंगे। आप हमेशा से हमें हमारा सहयोग करते आए हो, आशीर्वाद देते आए हो, आप सब ऐसे ही आशीर्वाद बनाए। सत्य सटीक बेबाक।